नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप हमेशा अखबारों में, वेब पोर्टलों में, न्यूज़ में, मीडिया में पोस्ट ऑफिस पति पत्नी जमा योजना के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो आपको ऐसी कोई भी स्पेसिफिक योजना के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस पति पत्नी योजना आखिर है क्या। इस वीडियो में हम इस योजना से संबंधित तमाम बातों को डिस्कस करेंगे कि आखिर इस योजना में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, प्री मैच्योरिटी क्लोज कर सकते हैं या नहीं, और भी तमाम बातों को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस पति पत्नी जमा योजना में दोस्तों, पति या पत्नी अपने नाम से सिंगल सिंगल खाता भी खोल सकते हैं। अगर वे चाहे तो दोनों एक साथ ज्वाइंट होकर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंगल सिंगल अलग अलग अकाउंट खोलने पर दोस्तों, इसमें मैक्सिमम जमा करने की लिमिट है 9 लाख रुपये, और अगर दोनों एक साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो वो अधिकतम 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इस योजना में न्यूनतम जमा करने की राशि 1000 रुपये है। इस योजना का दोस्तों वर्तमान जो ब्याज दर है वो 7.4% है, और इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 सालों का है, यानी कि इस स्कीम में आपको 5 सालों के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इस योजना में दोस्तों, अगर कोई पर्सन एक बार पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको प्रत्येक महीने पेंशन की तरह पूरे 5 सालों तक ब्याज मिलते रहता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कितना जमा करने पर आपको कितना पेंशन मिलता है, यानी कि प्रत्येक महीने आपको कितना ब्याज मिलेगा। अगर आप इस योजना में 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 5 सालों तक प्रत्येक महीने आपको 617 रुपये ब्याज मिलेगा, तथा आप अधिकतम इसकी मैक्सिमम लिमिट जो कि 9 लाख रुपये है उतना जमा करते हैं तो आपको प्रत्येक महीने 5,550 रुपये का ब्याज मिलता है। और अगर पति पत्नी दोनों अपने नाम से अलग अलग 9 लाख रुपये जमा करते हैं तो उस दशा में दोस्तों प्रत्येक महीने आपको 11,100 रुपये महीने महीने 5 सालों तक ब्याज मिलते रहेगा। 5 सालों के बाद दोस्तों आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो 1 सालों का है, यानी कि आप 1 साल तक इस स्कीम से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपको इस स्कीम का प्रीमैच्योर क्लोज करने की फैसिलिटी मिल जाती है। जब आप इस स्कीम को 1 साल और 3 साल के बीच में क्लोज करते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट का 2% पेनल्टी के रूप में देना होता है, और 3 साल के बाद कभी भी क्लोज करने पर दोस्तों आपको प्रिंसिपल अमाउंट का 1% पेनल्टी लगता है। इस स्कीम में दोस्तों पोस्ट ऑफिस में मिल रहे ब्याज पर आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाता है, लेकिन इसका ब्याज दर टैक्स फ्री नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके फॉर्म 26S में इसका ब्याज आपके आय के रूप में दिखेगा। इस योजना में दोस्तों आपको नॉमिनेशन की भी सुविधा मिल जाती है, तथा आप अपने माइनर बच्चे के नाम से भी इस योजना में 9 लाख रुपए का अलग अकाउंट खोल सकते हैं। चूंकि दोस्तों आपको इस स्कीम में मंथली मंथली ब्याज पेंशन के रूप में मिलता है, इसलिए आम बोलचाल की भाषा में इसको पोस्ट ऑफिस का पेंशन स्कीम भी बोला जाता है, और इसी स्कीम को दोस्तों पति पत्नी जमा योजना भी बोला जाता है। लेकिन इस योजना का पोस्ट ऑफिस में एक्चुअल नाम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, जिसको कि आप MIS के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम को ही मीडिया में पति पत्नी जमा योजना के नाम से बताया जाता है। तो यह था दोस्तों पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम, या आप इसको कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस पति पत्नी जमा योजना। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं वापस से आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।